नमस्कार, मैं महागुरु गौरव। सर्दियाँ शुरू हो गई हैं और अभी पिछले 2-3 दिन से दिल्ली और NCR में स्मोक की प्रॉब्लम भी है, जो कहा जाता है कि जिस प्रकृति ने हमें बनाया है, या हम उसके विरुद्ध यदि कुछ करते हैं तो प्रकृति हमें वापस से वही गिव बैक करती है। तो आज हमने जो प्रकृति को दिया, प्रकृति वही हमें वापस से दे रही है। अब सांस लेना तक मुश्किल है और हम डिफरेंट सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर रहे हैं कि इस स्मोक से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ऐसे टाइम में सभी को चाहिए कि तुलसा, अदरक, हल्दी का काफ़ी सेवन करें, और यदि जब भी पॉसिबल हो सके घर के अंदर एक प्लेस पर बैठ के अनुलोम विलोम और ब्रीदिंग एक्सरसाइज यदि आप करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आशा करता हूँ पिछला सप्ताह सभी जातकों के लिए अच्छा रहा होगा। आने वाला सप्ताह डिफरेंट राशि के डिफरेंट जातकों के लिए कैसा रहेगा, इसके बारे में बात करते हैं। मकर राशि के बारे में। मकर राशि को स्वामी है शनि, शुभ्रतन है नीलम, शुभ्रदास है सात्मक रुद्राक्ष, शुभ दिशा है पश्चिम की दिशा। इस सप्ताह सितारे आपके साथ हैं, कारोबार में बढ़ोतरी होगी, सुखद वातावरण देखने को मिलेगा, काम काज के प्रति आप समर्पित भाव बनाए रखेंगे, आप अपनी मेहनत के बल पर शानदार परिणाम भी प्राप्त करेंगे और अपनी कार्यक्षमता को लोग आपकी कार्यक्षमता को सहारेंगे भी, चीज़ें आपके समर्थन में रहेंगी, विदेश व्यापार से आपको लाभ होगा, आय बढ़ेगी, छात्रों को इस सप्ताह आसानी से सफलता प्राप्त होगी, प्रयासों के अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, दाम्पत्य जीवन में खुशियों की अनोखी अनुभूतियाँ होंगी, परिवार में सब कुछ सामान्य रहेगा, परिवार के सदस्यों के साथ आप घूमने फिरने का कार्यक्रम बना सकते हैं, स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा गंभीर रहने की आवश्यकता होगी, परिवार के किसी सदस्य का स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है, अध्यात्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ सकती है। देखा जाए सप्ताह अच्छा सप्ताह है, सप्ताह को अच्छा सप्ताह कैसे बना सकते हैं जानते हैं इसके कुछ उपाय। इस राशि के जातकों को चाहिए कि हनुमान जी को मंगलवार के दिन लड्डुओं का भोग लगाएं, मंगल और शनिवार को चमड़े, लकड़ी की वस्तुएं या किसी भी प्रकार का तेल ना खरीदें, मंगल और शनिवार के दिन दाढ़ी और बाल ना कटाएं, किसी दुखी व्यक्ति के आंसू अपने हाथों से पूछें, पीपल के पेड़ में तिल्ली के तेल का दीपक जलाएं, नौकरों वृद्धों और गरीबों का सम्मान करें, बंदरों की सेवा और केले के पेड़ में दूध चढ़ाएं, कुत्तों की सेवा करें, गाय और बैल को दूध और चावल खिलाएं, चांदी का आटा का टुकड़ा जमीन में दबाएं, अंधे लोगों को भोजन कराएं, शराब और मांस मदिरा से दूर रहना है, 12 बादाम काले कपड़े में बांधकर किसी अंधेरी जगह में रखना भी शुभकारी रहेगा, कुष्ठ रोगियों की सेवा करें, शाम को खाने के पश्चात कुत्ते को रोटी दें और सुबह की शुरुआत माता के चरण स्पर्श से जरूर करें। तो यदि आप ये उपाय करते हैं तो आपका आने वाला सप्ताह आपके लिए शुभकारी साबित होगा। तो जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि सारे उपाय यदि आप नहीं भी कर पाते हैं तो कोई परेशानी नहीं है, कुछ चीज़ें आपको जीवन में हमेशा के लिए गांठ की तरह से बांध लेना है। माता पिता, बड़े बुजुर्गों की सेवा करना, जो ज़रूरतमंद है उसकी आपकी सेवा करना, अपनी इनकम से कुछ पोर्शन लोगों के भले में, दान दक्षिणा में, मंदिरों में दान के लिए, जो अनाथालय हैं, ऑर्फनेजेज हैं, उनमें दान करना, ये यदि आप रेगुलरली और सबके प्रति आप समर्पित भाव देना, किसी के प्रति कोई ईर्ष्या भाव ना रखना, यदि ये कुछ उपाय आप जीवन भर के लिए अपने साथ बांध लेते हैं तो एक आने वाला सप्ताह ही नहीं, सारे सप्ताह और मरण मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति के योग भी बनते हैं। इन्हीं आशा के साथ कि आने वाला सप्ताह सभी जातकों के लिए शुभकारी अच्छा रहे, आप अपने सेहत का जरूर ध्यान रखें, बिकॉज वेदर चेंज हो रहा है, और जैसा कि मैंने कहा कि तुलसा का हमेशा सेवन करना और साथ में हल्दी के दूध का पीना, साथ में अदरक का सेवन करना, ये प्लानेट के जो प्रतिकूल प्लानेट हैं उनकी दशाओं को, उनके जो नेगेटिव इम्पैक्ट हैं, मैलेफिक इम्पैक्ट हैं, उनको भी दूर करने में सहायक होंगे, साथ ही साथ स्वास्थ्यवर्धक भी होंगे। नमस्कार, मैं महागुरु गौरव हूँ।